हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। सो आज हम बेसिकली मैट फॉर जीएस का पार्ट 3 करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा, मैट सीरीज़ के अंडर इनिशिएटिव है ये। सो इसमें हम 4 क्वेश्चंस ऑफ ईच जीएस पेपर ऑफ 2017 मेंस डिस्कस करते हैं। फॉर इंस्टेंस, पहले पार्ट में हमने GS1 का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था, सिमिलरली 2 का भी फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था। उसी तरह से आज थर्ड पार्ट में हम GS1 का भी थर्ड क्वेश्चन करेंगे, 2 का भी थर्ड क्वेश्चन करेंगे, 3 का भी थर्ड क्वेश्चन एंड 4th का भी थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ दिस इनिशिएटिव इज़ अंडरटेकन। सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सो पहला क्वेश्चन था, व्हाई डिड मॉडरेट्स फेल्ड टू कैरी कन्विक्शन विद द नेशन अबाउट देयर प्रोक्लेम्ड आइडियोलॉजी एंड पोलिटिकल गोल्स बाई द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। सो इट रिवॉल्व्स अराउंड दैट, व्हाई डिड मॉडरेट्स फेल्ड टू कैरी। तो फेयरली सिंपल क्वेश्चन था, 150 मार्क्स। सो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे दैट कांग्रेस पॉलिटिक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 ईयर्स ऑफ इट्स हिस्ट्री, दे आर नोन एज मॉडरेट पॉलिटिक्स, राइट? सो देयर पॉलिटिक्स वॉज वेरी लिमिटेड, बी इट गोल्स या मेथड्स। जो उनके गोल्स थे वो भी बहुत छोटे थे और जो मेथड्स थे वो भी बहुत लिमिटेड थे। बेसिकली पीसफुल मेथड्स में बिलीव करते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन में बिलीव करते थे एज अपोज टू द पॉपुलर मीन्स ऑफ एजिटेशन। तभी इन्हें मॉडरेट्स कहा जाता था, क्योंकि ये मॉडरेट थे अपने जो भी गोल्स हैं, अपने जो भी मेथड्स हैं उसमें, कंपेयर टू द एक्सट्रीमिस्ट और जो उससे भी ऊपर थे वो तो रेवोल्यूशनरीज। सो बेसिकली अगर हम मॉडरेट्स की बात करें तो 2 प्रॉन्ग्ड मेथडोलॉजी थी। पहली थी कि स्ट्रॉन्ग पब्लिक ओपिनियन क्रिएट करना है ताकि जो कॉन्शियसनेस है वो अराइज हो, ठीक है, सब लोगों को पता चले, कॉन्शियस बने वो और यूनाइट करे ऑन कॉमन पॉलिटिकल क्वेश्चंस। सो बेसिकली यही था कि आपने अवेयरनेस क्रिएट करनी है, आपने एक ओपिनियन, एक पब्लिक ओपिनियन बनाना है। उसके अलावा दूसरा था ब्रिटिशर्स के प्रति कि उनको पर्सुएट करना है ताकि वो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर पाएँ, ना कि दे नेवर हैड दिस एजेंडा कि दे वॉन्ट ब्रिटिशर्स टू लीव देयर कंट्री, ठीक है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, बट सिंपली रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करें ऑन द लाइन्स लेड आउट बाय द नेशनलिस्ट। देयर इमीजिएट डिमांड वॉज नॉट फुल सेल्फ गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी, दे डिमांडेड डेमोक्रेटिक राइट्स फॉर द एजुकेटेड मेम्बर्स ऑफ द इंडियन सोसाइटी, राइट? तो बहुत ही लिमिटेड डिमांड्स थी इनकी। तो अब हमने इंट्रोडक्शन दे दिया, अब बताएंगे कि क्या रीजंस थे फेलियर के। पहला, मेथड्स बहुत लिमिटेड थे, जैसे दे बिलीव्ड इन प्रे पिटिशन एंड प्रोटेस्ट टाइप ऑफ पॉलिटिक्स। उससे क्या होता था, कुछ जो ब्रिटिशर्स थे वो तस्से मस नहीं होते थे। दूसरा क्या था, मासेस को इन्वॉल्व नहीं किया। जो मॉडरेट्स थे उनका जो कॉमन पीपल में फेथ था वो बहुत कम था, राइट? सो दे डिड नॉट इन्वॉल्व द मासेस, दे डिड नॉट इन्वॉल्व द यंगर जनरेशन, जो यूथ था, यूथ ऑल्सो डिड नॉट रिलेट विद देयर मेथड्स, ठीक है? तो इसलिए जो म्यूचुअल था, राइट? उसके बाद जो मॉडरेट पॉलिटिक्स थे, दे वर लिमिटेड एंड एलियनेटेड फ्रॉम द ग्रेटर मास ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन और उनका कोई पॉपुलर बेस नहीं था। जैसे कि मैंने बोला कि जो मासेस थे वो भी एलियनेटेड थे इनसे और इनका भी फेथ नहीं था। दे हैड फेथ इन द लिमिटेड जो माइनॉरिटी थी एजुकेटेड लोगों की, उन्हीं के साथ जुड़ के ये काम करते थे। मासेस के साथ दे हैड नो रिलेशन एज सच, ठीक है? इन ऑल इंडिया कैंपेन लाइक स्वदेशी एंड बॉयकॉट, मॉडरेट्स दे डिड नॉट प्ले एन एक्टिव रोल। मॉडरेट्स दे रिप्रेजेंटेड माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी, ठीक है? तो होता है माइनॉरिटी कि आपके नंबर्स बहुत कम है कंपेयर टू बाकी सबके। उसके बाद माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी होता है और भी कम है, राइट? एंड देन द सपोर्ट बेस, दैट वॉज जो इनका सपोर्ट बेस था, जो मॉडरेट्स को सपोर्ट करते थे वो कौन थे, इलीट एजुकेटेड क्लास ऑफ इंडियंस, वो कितने ही होंगे, हैंस द टर्म माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। देन बंगाल वॉज डिवाइडेड अगेंस्ट द विल एंड विश ऑफ पीपल, पीपल लाइक सवारकर ब्रदर्स एंड चापेकर ब्रदर्स, दे स्टार्टेड एडवोकेटिंग एक्सट्रीमिज्म। क्योंकि एक तो ये था कि इनके प्रे पिटिशन और प्रोटेस्ट से कुछ हो भी नहीं रहा था, ठीक है, सो इसलिए जो एक्सट्रीमिज्म था उसका राइज हुआ। Emergence of leaders like Tilak and Raj Bihari Ghosh in Congress led to the new kind of environment that was more favorable for the extremist. ठीक है, also it led to, अब क्या हुआ, ये moderates से कुछ नहीं हो रहा था, so it led to the rise of extremism. Turmoil इतना बढ़ गया moderates और extremist के बीच में कि सूरत split हो गया 1907 में।
इमीडिएट मैसिव अटैक ऑन द एक्सट्रीमिस्ट. अब गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्सट्रीमिस्ट के ऊपर तो अटैक किया. मॉडरेट्स का सबसे ज़्यादा फायदा यही था कि गवर्नमेंट उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं करती थी बिकॉज दे गिव देम नो रीज़न, राइट. सिंपल से तो मेथड्स थे उनके. Then moderates, they moved away from active politics. Most of them retired. Then they lost respect also and the support of political leaders, especially youth. It also led to the emergence of the revolutionary terrorism. And hence the moderates, they lost. Okay, they had a sort of a failure. But how उसको आप complete failure नहीं कहोगे, क्योंकि उन्होंने एक base ज़रूर बना के दिया. ठीक है. Therefore the failure of moderates in Congress split did not do any good to either moderates or extremists, but surely glorified British divide and rule politics, which further slowed down the Indian struggle for independence. तो आप ये ले सकते हो कि इनके बीच में जो स्प्लिट हुआ है ना मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में, सो इट एक्चुअली स्लोड डाउन द प्रोसेस ऑफ द इंडिपेंडेंस, राइट. नेक्स्ट GS2 का क्वेश्चन है साइमल्टेनियस इलेक्शन के ऊपर. टू द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज विल लिमिट द अमाउंट ऑफ टाइम एंड मनी स्पेंड इन द इलेक्शनियरिंग बट इट विल रिड्यूस द गवर्नमेंट्स अकाउंटेबिलिटी टू द पीपल. तो साइमल्टेनियस इलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट इसमें जो स्पेसिफिक एक चीज बोली गई है वो ये है कि आपको ये डिस्कस करना है कि कैसे ये गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को कम करते हैं. ठीक है. हाउ डू साइमल्टेनियस इलेक्शंस लीड टू रिडक्शन इन द गवर्नमेंट्स अकाउंटेबिलिटी. हालांकि इनके फायदे भी बहुत हैं, उसको भी आप थोड़ा सा इलाबोरेट कर सकते हो. तो देखते हैं. साइमल्टेनियस इलेक्शन टू द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज विल लिमिट द अमाउंट ऑफ टाइम एंड मनी स्पेंट इन इलेक्शनरिंग. ये पहला एस्पेक्ट था, इसको आप थोड़ा इलाबोरेट करोगे. क्योंकि देखिए, आपको फ्रीक्वेंट अप्रूवल्स नहीं चाहिए ECC, ठीक है, EC से, इलेक्शन कमीशन से. दैट आर नीडेड इन रोलिंग स्कीम्स व्हेन MN मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज इन ऑपरेशन. ठीक है. तो एक तरह से ये भी है, प्रोसेस बहुत स्ट्रीमलाइंड रहेगा, एक्सपेंडिचर कम होगा. ठीक है. दिस इज़ हाउ डायरेक्टली मनी कैसे सेव होगा. एक्सपेंडिचर कम होगा मेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज ऑन इलेक्शन कैंपेन्स. क्योंकि कभी लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, कभी स्टेट असेंबली के इलेक्शंस होते हैं. ठीक है. तो वो देन द एक्सचेकर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी इन कंडक्टिंग इलेक्शंस एवरी ईयर. तो अब ये जो पैसा है जो हर साल कहीं ना कहीं डिफरेंट स्टेट्स में इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें खर्च होता है, दैट कैन बी यूटिलाइज्ड इन द डेवलपमेंटल वर्क्स, राइट. Then it allows the political leaders to focus more on governance rather than on election campaigning. तो जो political leaders हैं उनके पास भी ज़्यादा time होगा, है ना, कि वो governance पे focus करें ना कि election campaigning. जैसे अगर आप हमारे leaders की बात करें, ठीक है, for instance prime minister, now he's engrossed in let's say Gujarat elections or you know Himachal elections, फिर कहीं और elections हो गए वो वहाँ चले जाएंगे, तो governance से थोड़ा ध्यान तो हट जाता है. तो अगर एक ही बार elections होंगे तो ये aspect बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा governance का, right. टाइम सेव होगा. उसके बाद जो सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, है ना, अब क्या होगा कि वो भी एक ही बार डिप्लॉय होंगी, बार बार नहीं होंगी, सो दे कैन ऑल्सो बी बेटर यूटिलाइज. ठीक है. ह्यूमन रिसोर्सेज कैन ऑल्सो बी बेटर यूटिलाइज. देन द साइमल्टेनियस इलेक्शन वंस इन 5 years प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द गवर्नमेंट्स. ठीक है. इट अलाउज द गवर्नमेंट टू टेक डिफिकल्ट एंड हार्श डिसीजंस इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, राइट. अब क्या होता है, अब अगर लेट्स से किसी स्टेट में इलेक्शंस हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो पावर में है वो ज़्यादा हार्श या डिफिकल्ट डिसीजंस नहीं लेते, क्योंकि उनको लगता है कि दे माइट लूज इन द स्टेट. ठीक है. और अगर लूज भी नहीं करेंगे तो इसका इफेक्ट दिखेगा उस पर्टिकुलर स्टेट में, राइट. उसके बाद वोटिंग परसेंटेजेस विल इंप्रूव. ठीक है. क्योंकि माइग्रेंट्स को हर बार नहीं आना पड़ेगा, एक बार लोकसभा के लिए, एक बार स्टेट असेंबली के लिए. उसके बाद लॉ कमीशन ने भी बोला है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज ने भी बोला है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस करवाओ बिकॉज दे सेव मनी एंड टाइम. ठीक है. बट अकाउंटेबिलिटी भी कम होगी, क्योंकि जो फ्रीक्वेंट इलेक्शंस है ना, एक तरह से वो ये भी है कि गवर्नमेंट को ऑन देयर टोज रखते हैं. ठीक है. इट एक्चुअली यू नो हेल्प्स, क्योंकि जो मिनिस्टर्स हैं दे विजिट देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज ओनली ड्यूरिंग इलेक्शंस, राइट. इट इज़ यूजली सीन दैट दिस हैपन्स. तो अगर बहुत सारे फ्रीक्वेंट इलेक्शंस हो रहे हैं तो वो ज़्यादा विजिट करेंगे, विल कीप देम on their toes. This keeps politicians in touch with the pulse of the public and the result of various elections may lead to course correction by the government. ठीक है. तो एक ये भी है कि कोर्स करेक्शन कर सकते हैं. देन इट मे रिड्यूस द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेट इलेक्शंस, दस इट इफेक्ट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म. ये भी हो सकता है कि सारा ध्यान सेंट्रल जो लोकसभा इलेक्शंस है उसी पे होगा, स्टेट असेंबली के जो इलेक्शंस है उसे उनका इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे, तो कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म माइट बी इफेक्टेड. ठीक है.
देन इट ऑल्सो मेक अ टेल पीपल्स राइट टू एक्सप्रेस देयर कॉन्फिडेंस और डिसप्लेजर ऑन द गवर्नमेंट, क्योंकि बात 5 साल पे आ जाएगी. ठीक है, सो उसके बाद दूसरा इशूज़ क्या है, इम्प्लीमेंटेशन और लॉजिस्टिकल इशूज़ के, इतनी वी हैव लार्ज यू नो पॉपुलेशन, लार्ज नंबर ऑफ पीपल, तो वो जो इम्प्लीमेंट करना है, जो लॉजिस्टिक्स करने हैं, एक बार जो आपको ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए होंगे, जो इंफ्रा चाहिए होगा, वो वाले इशूज़ भी हैं अगर हम देखें साइमल्टेनियस इलेक्शन के साथ. बट येस, इन द टाइम, इन लाइट ऑफ ह्यूज टाइम एंड मनी सेव्ड, द गवर्नमेंट शुड गो फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शन, प्रोवाइडिंग सूटेबल ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म फॉर अकाउंटेबिलिटी टू पीपल. सो अकाउंटेबिलिटी के लिए और मेथड्स कुड बी यू नो देयर. नेक्स्ट, एग्जामिन द डेवलपमेंट ऑफ एयरपोर्ट्स इन इंडिया थ्रू जॉइंट वेंचर्स अंडर PPP मॉडल. ठीक है, डेवलपमेंट हमने एग्जामिन करनी है, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस विच आर फेस्ड बाय द अथॉरिटीज इन दिस रिगार्ड. तो देखते हैं, अगर हम थोड़ा ट्रेस करेंगे कैसे प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट हुई, द प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन एयरपोर्ट्स वॉज सेट इन मोशन वे बैक इन 1999 व्हेन अ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट वॉज सेट अप इन कोचिन अंडर PPP रूट, followed by airports in Bangalore and Hyderabad in 2004. 2006 में the aviation ministry signed concession agreements with GMR and GVK. Majorly यही दो जो companies हैं, इनके साथ ही PPP होता है government का, right? For expansion and modernization of New Delhi and Mumbai international airports. So thereafter, the privatization process was grounded following global economics slowdown, opposition by AI, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया employees हैं, ठीक है, उस उनके कारण उनसे बहुत opposition आ रहा था, और global economic slowdown भी था, है ना, 7-8 में. तो उसके बाद जो privatization है वो थोड़ा कम हो गया, right? But अभी फिर से हमने देखा है ये रैपिड मॉडर्नाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट्स इन द कंट्री. सी, इट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ PPP, ठीक है, जो रैपिड मॉडर्नाइजेशन हो रही है, और उसके बाद इट हैज़ ऑलरेडी यील्डेड फ्रूट्स इन द एयरपोर्ट्स एट दिल्ली, मुंबई एंड बेंगलुरु. और इकोनॉमिक सर्वे अगर हम 2015-16 की बात करें, सो गवर्नमेंट्स रिव्यू ऑफ द इंडियन इकोनॉमी रिपोर्टेड दैट PPP मॉडल एम्प्लॉयड फॉर द एडवांसमेंट ऑफ इंडियन एयरपोर्ट हैज़ लेड टू द सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन इंफ्रा एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यूज. इवन दो द प्राइवेटाइजेशन रूट हैज़ अलाउड डेवलपमेंट ऑफ एन एफिशियंट वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स, ठीक है, एफिशियंट वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स हुए हैं, यह आप देख सकते हैं, क्योंकि इंफ्रा में इंप्रूवमेंट हुई है, एक्नॉलेज्ड बाय आर ओन इकोनॉमिक सर्वे ऑल्सो, ठीक है, बट इट हैज़ एंड इट हैज़ फ्यूल्ड द ग्रोथ ऑफ एयर ट्रैफिक इन इंडिया, बट नॉट ऑल आर इन फेवर ऑफ इट. कौन ज़्यादा जो अपोज कर रहे हैं वो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो एम्प्लॉयज़ हैं, बिकॉज दे फेयर दैट दे माइट लूज देयर जॉब्स व्हेन प्राइवेट डेवलपर्स टेक ओवर. तो ये इसका एक है. उसके बाद ग्लोबल स्लंप इन द एविएशन सेक्टर आफ्टर द इकोनॉमिक स्लो डाउन, लेस ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स एवर इंटरेस्टेड इन द गवर्नमेंट बिड्स, विच इवन इम्पैक्टेड द पेस ऑफ आर ऑलरेडी रनिंग मेजर प्रोजेक्ट्स ऑफ दिल्ली एंड मुंबई एयरपोर्ट्स, ठीक है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ऑब्वियसली कम हो गया क्योंकि स्लो डाउन था. तो दो रीजंस हैं जिसकी वजह से जो रैपिड प्रोग्रेशन होना चाहिए था वो नहीं हुआ, एक तो था ग्लोबल स्लंप और एक है ऑपोजिशन बाय द AAI एम्प्लॉयज, ठीक है. बट येस, हम देयर हैज बीन एन इम्प्रूवमेंट इन द इंडियन एयरपोर्ट्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रा हो गया है, रेवेन्यू जो कलेक्शन है वो इंक्रीज हो गई है. सो फार 5 एयरपोर्ट्स दे हैव बीन डेवलप्ड अंडर दिस मॉडल, वाइल दिल्ली एंड मुंबई दे वर ब्राउनफील्ड, जो बेंगलुरु, हैदराबाद एंड कोची वो ग्रीनफील्ड है, शुरू से बने हैं. उसके बाद मेट्रो प्रोजेक्ट्स भी हैं दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु के, वो भी अंडर PPP बने हैं. द शेयर ऑफ पब्लिक सेक्टर थ्रू AII और द रेलिवेंट स्टेट गवर्नमेंट्स इज 26% विद एटलीस्ट 1 फॉरेन शेयर होल्डर, ठीक है. बट चैलेंजेस क्या हैं, देखिए चैलेंजेस यही हैं कि इंक्रीज्ड चार्जेस एट PPP एयरपोर्ट्स, दे हैव बीन अ कंटेंशियस इशू फॉर एयरलाइंस. ऑन सम डोमेस्टिक सेक्टर्स फॉर एग्जाम्पल, अप्रॉक्सिमेटली 17% ऑफ द एवरेज ग्रॉस फेयर नाउ कंसिस्ट ऑफ टैक्सेज एंड फीस, ऑफ विच 10-12% इज रिलेटेड टू एयरपोर्ट चार्जेस. तो इंक्रीज्ड चार्जेस हैं. Projects have been stalled for several months due to lack of preparedness with respect to the concession agreement and the revenue sharing and tariff structure framework. So stalling of projects hai क्योंकि agreements में problem थी. Then a clear process has not been established for determining the appropriate level of capital expenditure in airports and for monitoring project costs to prevent the massive budget overruns that have occurred in some cases, which have simply been recouped through higher charges that are borne by the airlines and the passengers. ठीक है, so we have successes of PPP airports,
कुछ इश्यूज़ हैं जो इम्प्रूव होने चाहिए, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक रेगुलेशन, लैंड मोनेटाइजेशन, मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट एंड एट अ ब्रॉडर लेवल क्रिएटिंग अ मोर प्रोडिक्टेबल ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट ऑन इशूज सच एज बायलेटरल पॉलिसी, राइट, एयरलाइन वायबिलिटी, एफिशिएंसी. इसमें आप इनफैक्ट जो दिल्ली मेट्रो जो दिल्ली मेट्रो है स्पेशली द वन विच कनेक्ट्स विद द एयरपोर्ट, ठीक है, उसके बारे में भी इशूज़ दे सकते हैं. वो भी अभी न्यूज़पेपर में आया था कि रिलायंस ने एंड कर दिया है एंड ऑल दैट. So you can quote. So there are various challenges that are actually faced by the authorities. Lastly, हमारा question है कि young people with ethical conduct are not willing to come forward to join active politics. Suggest steps to motivate them to come forward. ठीक है, तो इसमें पहले आप थोड़ा ये बता सकते हैं कि why they are not willing and then how can you actually motivate them. ठीक है, सो रीजंस फॉर लेस यूथ इन क्या रीजंस है? एक तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, बहुत ज़्यादा क्रिमिनल्स हैं, मसल पार है, मनी पार है, करप्शन है, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हैं, पॉलिटिक्स की इमेज टार्निश्ड है, और परसेप्शन कि एजुकेटेड पीपल दे आर नॉट सूटेड फॉर पॉलिटिक्स. ठीक है, सो ये सब रीजंस है कि यूथ दे आर नॉट अट्रैक्टेड टू पॉलिटिक्स. ठीक है, बट एट द सेम टाइम अगर हमें उन्हें मोटिवेट करना है, हम कैसे करेंगे? देखिए, हमें हेल्दी पॉलिटिकल डिबेट्स का कल्चर स्टार्ट करना चाहिए राइट फ्रॉम द स्कूल लेवल. यूथ पार्लियामेंट है, फिर उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं नेशनल लेवल की, उनकी स्टूडेंट एंड यूथ विंग्स होने चाहिए लाइक इन स्कूल्स एंड यू नो इन यूनिवर्सिटीज़, ताकि उनका इंटरेस्ट इंस्टिल हो यू नो पॉलिटिक्स में. डिजिटल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया का आप यूज़ कर सकते हैं टू यू नो इंक्रीज देयर इंटरेस्ट. देन येस, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स दैट हैज़ टू गो. इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होने चाहिए, स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस होना चाहिए ताकि मनी मसल पार जो है वो थोड़ी कम हो जाए, राइट, और लेवल प्लेइंग फील्ड हो. उसके बाद ECI को इंश्योर करना चाहिए कि करप्शन फ्री इलेक्शंस हो. तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिससे यू कैन एक्चुअली मोटिवेट द यूथ टू कम फॉरवर्ड, राइट. सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर ऑफ मैट. थैंक यू सो